मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे 30 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ऐप पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। यहाँ पे तो क्वेश्चन है आपके पास, आंसर के साथ वहाँ आपको मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं, पहला सवाल, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है। ये म्यूजियम किस देश में है? अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस? आंसर क्या होगा? क्या दिमाग में आ रहा है? क्या यहाँ पे क्या लिखे बताइए, दिमाग में क्या आ रहा है? मैसेज करो इतने देर में। आंसर इज डी। देखिए, शाहरुख खान पूरे दुनिया में जाने जाते हैं अपने एक्टिंग के लिए। शाहरुख खान को फ्रांस के पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम, ये जो ग्रेविन म्यूजियम है ना, वो फ्रांस के पेरिस में है। और उन्होंने क्या किया, एक उनके उनके लिए कस्टमाइज सोने के सिक्के से उनको सम्मानित किया। यानी ये पहले भारत के एक्टर हैं जिनके नाम पे इस म्यूजियम में सोने का सिक्का रखा जाएगा। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस के ग्रैंड बुलेवार्ड्स में स्थित एक मोम यानी वैक्स म्यूजियम है, मोम संग्रहालय है, जहाँ शाहरुख खान का तो मोम का पुतला है ही है, और भी लोगों के मोम के पुतले वहाँ पे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो शाहरुख खान, यहाँ पे शाहरुख खान इसका आंसर होगा। शाहरुख खान भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है कि क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दे कि ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा जो सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है वो भारत के शख्स कौन है, तो शाहरुख खान आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम चलाया गया? प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, इसको एक और एंगल से पूछा जा सकता है कि किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम जिस राज्य के द्वारा चलाया गया वो किसके लिए चलाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही तरह के सवाल हैं, अभी देखते हैं। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा सी, आंसर इज सी। एक्चुअली तेलंगाना ने ही इसको स्टार्ट किया है, हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये स्पेशली म्यूनिसपैलिटी के लिए है, इसीलिए इसको नगरम नाम दिया है, नगर पालिका नगरम। तो जो हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिका के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, और ये जो पहल है, जो ये स्टेप उठाया गया है, वो जो टीबी प्रकोष्ठ होते हैं उनको लेकर अलग अलग जगह के नगर निगम है। अब इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे बोडोपल, पोचारम, ऐसे नगर निगम है, साथ में केंद्रीय टीबी डिवीज़न, WHO इंडिया, USAID और अलग अलग और भी कुछ सपोर्ट करने वाले कमिटी है, संस्था है, उन सब के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। यानी टीबी से मुक्त नगर पालिका तेलंगाना में बनाना है, इसके पर्पज़ से इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रहेगा कि प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम एक तो म्यूनिसपैलिटी के लिए है, और उनके उस म्यूनिसपैलिटी में कोई भी टीबी का पेशेंट ना हो, तो टीबी मुक्त नगर पालिका के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। किसी भी सवाल को अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल्ट लेक सिटी को कब के लिए, 2034 में जो ओलंपिक होगा, और शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए चुना गया है। ये दरअसल ये जो साल्ट लेक सिटी है ये कहाँ है, सवाल ये है आपसे, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या पेरिस? तो आंसर इसका क्या होगा, साल्ट लेक का ए, मूवीज़ में भी आपने शायद देखा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में, उनका एक राज्य है यूटा, उसी में साल्ट लेक सिटी है। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल की मेजबानी उनके द्वारा की जाएगी, और ये डिसीजन पेरिस में जो मीटिंग हुआ था IOC का, उसमें ये डिसीजन लिया गया है, जहां 83 में सिटी यूटा को हाँ मिला है, यानी उनके फेवर में ये वोट हुआ है, और 6 ने कुछ नहीं कहा है या उन्होंने वोट नहीं किया है। तो साल्ट लेक सिटी ने पहली बार 2002 में ओलंपिक की मेजबानी की थी, शीतकालीन ओलंपिक की, विंटर ओलंपिक जिसको कहते हैं। इस बार ये 2024 में अब मेजबानी करेगा, ये इम्पॉर्टेंट है।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्विस्ट का आयोजन 2024 में कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? मंगोलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। देखिए, भारतीय सेना की टुकड़ी निकल चुकी है वहाँ के लिए। 27 जुलाई से 9 अगस्त तक ये मंगोलिया में होगा। मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जाएगा। दुनिया के और भी देश के सैन्य बल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस खान क्वेस्ट का उद्देश्य है पीस एस्टेब्लिश करने की क्षमताओं को, यानी शांति स्थापित करने की क्षमता को बढ़ाना, और जो पिछला 2023 था ये भी मंगोलिया के अंदर हुआ था। 2024 वाला जो हो रहा है वो 21वां है, ठीक है, 21वां संस्करण है खान क्वेस्ट का। तो इतना काफ़ी है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित प्रमुख हॉल, जिसमें दरबार हॉल शामिल है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, स्वतंत्रता मंडप, भारत मंडप? आंसर क्या होगा? दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? आंसर इज बी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी दो हॉल के नाम बदल दिए हैं। उसमें एक हॉल था जिसका नाम था दरबार हॉल, तो दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया है, यानी बी। एक और हॉल वहां पे था जिसका नाम था अशोक हॉल, ठीक है, क्या नाम था? अशोक हॉल। तो उसमें अशोक को तो अशोक ही रखा गया है, हॉल का नाम मंडप कर दिया है, तो अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया है। इससे रिलेटेड राष्ट्रपति के सचिवालय से बयान जारी कर दिया गया है, और ये नाम इसी कौन लिए बदला गया है जो इंडियन कल्चर को डिनोट करता है, और इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ को दिखाने के लिए इस नाम को बदला गया है। तो नाम दो बदला है, दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया है। फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? पहले फिडे इंडिया संस्था किससे, चलिए आगे देखते हैं। संजीव कपूर, संजय कपूर, रविंद्र नेगी, सुमन बिस्ट। तो इसका आंसर होगा बी, ये हैं संजय कपूर। देखिए, दरअसल अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के पूर्व अध्यक्ष संजय कपूर को फिडे इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो फिडे इंडिया है ये शतरंज से रिलेटेड संस्था है, तो ये भी याद रखिएगा। अहमदाबाद में AICF यानी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की जब आम बैठक चल रही थी तो उस समय इसकी घोषणा की गई। कपूर जो हैं, यानी संजय कपूर, वो 4 साल के लिए फिडे जोन के अध्यक्ष होंगे। और फिडे के अभी अध्यक्ष कौन है, याद है किसी को? फिडे के अध्यक्ष कौन है? तो फिडे के अध्यक्ष हैं अकर्डी डोबो कोरविच, अकर्डी डोबो कोरविच, उन्होंने इसको बधाई दी है इनको। और ये इम्पॉर्टेंट एक पोस्ट है जो संजय कपूर को, मैंने भारतीय हैं और उनको मिला है। चलिए आगे। एक महिला अधिकारी और दो महिला सैनिक के साथ 40 सैनिकों की टीम, भारतीय सेना की टुकड़ी जो है वो एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास के लिए हाल ही में किस देश के लिए रवाना हुई है, किस देश के लिए भेजा गया है उनको? आंसर क्या होगा? इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आंसर इज बी, मंगोलिया। एक्चुअली खान क्वेस्ट मंगोलिया में हो रहा है ना, तो उस मंगोलिया में जो हो रहा है उसमें एक महिला अधिकारी भी गई हैं और दो महिला सैनिक भी गई हैं। खान क्वेस्ट को लेकर जो मेन लीड किया जा रहा है, वो मेन प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं, वो मद्रास बटालियन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और ये पिछली बार भी हुआ था, जब दरअसल इसकी स्टार्टिंग जो है खान क्वेस्ट की वो 2003 में हुई थी, जिसमें अमेरिका और मंगोलिया के सैनिकों के बीच में बायलेटरल ये युद्ध अभ्यास हुआ था। बाद में ये शांति युद्ध अभ्यास में 2006 से बदल गया है और अब कई देश इसके अंदर शामिल हैं, भारत भी उसमें गया है, और भारत को भी मतलब कई चीज़ें नई सीखने को मिलेगी जैसा कि सब जगह होता है, तो ये इम्पोर्टेंट था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के लिए
किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, राजकुमार हिरानी, मणिरत्नम। तो आंसर इज बी, शेखर कपूर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55 और 56 दोनों ही के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया है। और ये होता कहाँ है? तो आपको पता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो होता है हर साल गोवा में ही होता है, ठीक है, गोवा में होता है। और ये शेखर कपूर एक फेमस पर्सन है, उनकी फेमस जो फिल्म है मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, एलिजा बेथ, तो ये अच्छी मूवी है और उनको एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको इनको चुना गया है, शेखर कपूर को। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है, 52, 42, 82 या 102? तो आंसर इज सी, 82। अभी हैनले जो पासपोर्ट है ना उसके अकॉर्डिंग भारत 82 पोजीशन पे है। अब एक और यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स को देख लीजिए, जब भारत 82 पे है तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर। और आपको पता है पासपोर्ट की जो रैंकिंग है किस आधार पे की जाती है, कि उस पासपोर्ट से दुनिया के कितने देश में फ्री यानी बिना वीज़ा के भी हम घूम सकते हैं। तो सिंगापुर वाले लगभग 195, तो लगभग सभी देश हो गए वहाँ फ्री में घूम सकते हैं, यानी उनको वीज़ा नहीं लगेगा, वो जाएंगे वहाँ के लोग सीधा टिकट लेंगे और जाएंगे। भारत का जो पासपोर्ट है उस पर अभी 58 ऐसे देश हैं जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे अगर जाना हो तो हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। पिछली बार 2023 में भारत की रैंकिंग 84 पर थी, इस बार रैंकिंग 82 हो गई है। पाकिस्तान नीचे से 5th पोजीशन पे है, तो उसका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब है, यानी 100वें स्थान पर है, और पाकिस्तान के नागरिक मात्र 33 यानी 33 देशों में ही जा सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सिंगापुर का सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इतना काफ़ी है फैक्ट। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे।